हे गाइस, हाउ यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टेक्नोलॉजी डिप्लोमा वालों की जॉब पूरी तरह से खत्म कर देगा। मतलब डिप्लोमा नाम की कोई जॉब नहीं रहेगी। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं एआई को लेकर के, और डरना भी चाहिए। एआई एक बहुत खतरनाक चीज़ है। आप सब लोगों को, जो लोग पॉलिटेक्निक करें, अगर एआई के बारे में नहीं पता है, तो एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, टूल है, जो कह लीजिए। आप लोगों को मैं बता दूं, चैट जीपीटी एक पहला इतना पावरफुल एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्च इंजन की तरह आया है, जिस पे आप कुछ भी सर्च कर लो, कुछ भी बना लो, कुछ भी कर लो, बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जो प्रोग्रामर होते थे उनके पास अपने कोड की लाइब्रेरी होती थी, लेकिन चैट जीपीटी वो लाइब्रेरी विद इन 1 मिनट, जो प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी बनाने में 10 साल लग जाते थे कोडर को, एक प्रोग्रामर को, वो लाइब्रेरी चैट जीपीटी विद इन 1 मिनट निकाल के दे देगा। तो ये है, जिस 10 साल का काम को 1 मिनट में कर रहा है, तो ये है ना खतरनाक चीज़। तो इम्पैक्ट तो करेगा पूरी तरह से, डिप्लोमा होल्डर्स की जॉब पे भी इम्पैक्ट करेगा। और चैट जीपीटी जैसी चीज़ें, एआई टेक्नोलॉजी कोर इंजीनियरिंग में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर और आईटी फील्ड से जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, उनको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर वो सतर्क नहीं रहे, अपने प्रोग्रामिंग पे नहीं फोकस किए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखे, तो ट्रस्ट मी गाइज, उनका फ्यूचर पूरी तरह से बहुत बड़े रिस्क में फंसेगा। और मैं देखो डरा नहीं रहा हूँ, आपको हकीकत से वाकिफ करा रहा हूँ। उसके लिए आपको देखो तैयारी करनी पड़ेगी। आप अपने आप को एआई टेक्नोलॉजी में डालिए, एआई जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मांगता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखिए, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। एआई से जो चीज़ें बनती हैं, जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर या जो टूल एआई का यूज करके बनते हैं, आप ऐसी चीज़ों पर फोकस करिए। जब आप ऐसी चीज़ों पर फोकस करोगे, तो गाइज आपका करियर भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। मतलब आप ट्रेंडिंग के साथ बढ़ोगे, जो ट्रेंड में है उसी के साथ आगे बढ़ोगे। वरना सीएस और आईटी से जो लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हो ना, उनके लिए तो गाइज बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और पिछले 1 सालों से मैं बता दूं, सीएस और आईटी का सही नहीं हो रहा है, और मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है, क्योंकि कोई चीज़ बहुत आगे बढ़ रही थी, एक बैग उसको पीछे खींचा जा रहा है। लेकिन हाँ, अभी भी आगे लोग जा रहे हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ड्रिवेन होना चाहिए। मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवेन अगर आप नहीं हैं, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और टेक्नोलॉजी ड्रिवेन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जो लाइफ में आप नहीं कर पाए हो, जो लाइफ में आपको करना चाहिए था। शायद आप बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। तो एआई टेक्नोलॉजी पे फोकस करिए। और पॉलिटेक्निक जो लोग कर रहे हैं ना, देखो अब अपग्रेड करना ही पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी है तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट जॉब में बिना अपग्रेड किए आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो अपने आप को अपग्रेड करिए, नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाइए। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट ट्रेंड है, जिस भी ट्रेड से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो भी इंजीनियरिंग का ट्रेड आप यूज कर रहे हो, जिस भी इंजीनियरिंग ट्रेड से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, किसी भी इंजीनियरिंग ट्रेड से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, उस ट्रेड का सही यूटिलाइजेशन करिए गाइस। अगर आपने सही यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो शायद आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको क्या करना चाहिए, शायद वो भी आपको सोचने की जरूरत पड़ जाएगी। तो पॉलिटेक्निक करिए, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, सही माइंडसेट के साथ करिए, तभी जाकर के आपका लाइफ आगे बढ़ पाएगा। और एआई एक फ्यूचर है, एआई के साथ आगे बढ़िए, एआई के तरफ जाइए, और ऑब्वियसली आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारी जगहों पे आप जा सकते हो। तो बस वीडियो में इतना ही, और जिनको भी करियर काउंसलिंग कराना है, career.education.com पे जा करके आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। जिनको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, लिंक टेलीग्राम का भी है, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल को कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।